ये जो है टर्बो क्रोम करके है, टर्बो क्रोम करके है, वेर इन दी आप अगर देखेंगे तो बीच में एक क्रोम का गारंटी जो है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही करके देता है। वारंटी में जो है 3 ईयर्स का वारंटी रहेगा तो उसके अंदर मैं रिपेयर करके दूंगा। वी गिव अ गारंटी ऑफ 11 ईयर्स फॉर ऑल दी एसेसरीज। एंड आज की इस वीडियो में ना मैं इसका मॉड्यूलर स्विचेस के बारे में बताना चाहता हूँ और इसके विद प्राइस के साथ क्या रेट तक मिल जाएगा और यहाँ पर कितना वराइटीज मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा वीडियो को अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दे। माय नेम इज किशोर शेट्टी, वेलकम टू द लीशा स्टॉल। हाँ सर, तो ये लीशा कर्नाटक एंड व्हाट टू से तमिलनाडु। जी सर। एंड कर्नाटक में ऐसा है कि हम लोग अभी अंदर आए, एक्टिविटीज चालू किया है हमने। जी जी। वेर इन हमारे एक डीलर भी है बावी इलेक्ट्रिकल्स एंड सेल। कैसा करना चाहिए? बावी इलेक्ट्रिकल्स में मिलता है एंड प्लस हमारे लोकल एग्जीक्यूटिव भी है इज हैंडलिंग बीदर फ्रॉम गुलबर्गा। ओके। लीशा इज अ वेरी ओल्ड कंपनी। हमारा जो कंपनी है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो भी स्विचेस बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इट इज वो हाइएस्ट इसमें रहना चाहिए। एंड प्लस हमारे यहाँ पे थियोरी ऐसा भी है कि हम खुद हर पार्ट्स हर चीज हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग ही असेंबल करते हैं यहाँ पे। एंड अगर आप हमारे स्विचेस का ये भी देखेंगे जो है वाइट कलर का स्विच, दिस इज S7, दिस कम्स इन वाइट एंड ग्रे, स्लिम्स करके है, दिस कम्स इन वाइट एंड ग्रे। एंड बाकी का जो एसेसरीज जो है इट ऑल्सो कम्स इन वाइट एंड ग्रे। जैसा ये रेगुलेटर देख रहे हैं कि ग्रे में है, ये ग्रे में है, आगे मैं आपको वाइट वाला रेगुलेटर्स भी दिखा दूंगा। एंड बेसिकली आर स्विचेस का जो कॉन्टैक्ट्स है एंड जो स्प्रिंग हमने यूज़ किया इट इज़ वेरी स्पेशल स्टील स्प्रिंग एक्चुअली। द लाइफ ऑफ दिस स्विच इज मोर देन 40 ईयर्स एंड वी गिव अ गारंटी ऑफ 11 ईयर्स फॉर ऑल दी एसेसरीज एंड ऑल दी एसेसरीज एक्सेप्ट फॉर दी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है वी गिव अ गारंटी ऑफ 3 ईयर्स। लाइक ये अपना फुट लैम्प रहेगा। इसका क्या खासियत है? ये क्या ये एक्चुअली फुट लैम्प है। नॉर्मली क्या होता है कि बेडरूम में रात को अंधेरा हो जाता है, सब लाइट्स ऑफ करते हैं, तो नॉर्मली ये जो है फुट के लेवल पे हम लोग ये करते हैं, फिक्स करते हैं, सो दैट वो जो लाइट है नीचे ही रह जाएगा। रात को कोई सडनली उठता है एंड वो अंधेरे में एक्चुअली उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ये लाइट ऑन रहने से क्या है कि उनको थोड़ा बहुत दिखाई देगा और वो आगे ये हो सकता है। हम तो ये दोनों जो मॉडल है फुट लैम्प है, तो सर ये अगर खराब हो गया समझो तो इसको रिपेयर कैसे करना? नहीं, ये रिपेयर नहीं, हम लोग रिप्लेस करके देते हैं, डायरेक्ट रिप्लेस करके देते हैं। ओके। कुछ कितना साल तक वारंटी रहेगा ये? इसका जो है 3 ईयर्स का गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है इसका, हम लोग डायरेक्टली रिप्लेस करके देते हैं। तो कई लोगों को वारंटी और गारंटी में कुछ डिफरेंस रहता, मतलब समझ में नहीं आता क्या है? गारंटी जो है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही करके देते हैं। वारंटी में जो है 3 ईयर्स का वारंटी रहेगा तो उसके अंदर मैं रिपेयर करके दूंगा। जो है रेगुलेटर है, ये सिंगल मॉड्यूल का रेगुलेटर है, ये 2 मॉड्यूल का रेगुलेटर है, ये बड़ा वाला रेगुलेटर है जिसमें आपका ये जो है हमारा रेगुलेटर जो है 360 डिग्रीज फुल घूमता है। नॉर्मली दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनीज में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 0 पे नहीं आता, फिर वापस से आपको 4, 3, 2, 1, 0 पे आना पड़ता है। नॉर्मली होटल्स में यूज़ होता है, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब का बटन में यहाँ पे चालू करता हो तो यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब का ये आ जाता है होटल्स में। एंड प्लस क्लीन माई रूम जो है क्लीन माई रूम का ही आ जाता है, लाइट आ जाता है। यूएसबी चार्जर है हमारा। यूएसबी चार्जर में एक स्पेशलिटी ऐसा है कि ये 2.1 एम्पियर्स का है, वेर इन दी चार्जिंग जो है डबल स्पीड में हो जाता है। ओके। एंड सेकेंड चीज़ है ये जो है टीवी का सॉकेट है उसके बाजू में, दिस इज यूज फॉर डिश एंटीनाज और अपना जो नॉर्मल टीवी का चैनल है केबल टीवी के लिए। ये है ग्रे में, ये वाइट में। तो सर ये कैसा प्राइस वेरिएशन रहता है? नहीं, प्राइस नॉर्मली एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स ही रहता है नॉर्मली। इट डिपेंड्स अपॉन दी रॉ मेटल का रेट्स, पॉलीकार्बोनेट का रेट है, जैसा ब्रास पार्ट्स का रेट है, मेटल एंड इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, पॉलीकार्बोनेट के ऊपर। एंड हमारे इसमें 5 टाइप के प्लेट्स आते हैं, फ्रेम्स आते हैं, ये टर्बो करके, ये जो है इसमें जो है टोटल प्लेन ही है, दिस हैज अ कर्विश टाइप फिनिश एंड विदाउट एनी क्रोम प्लेटिंग एंड दिस इज टोटली प्लेन। हाँ, ये जो आ रहा है ये 6 कलर्स में आता है, वाइट ब्लैक ओक है, ये टी कोट, आलमंड वुड, ग्रेफाइट ग्रे एंड आइवरी। एंड सेम कलर्स हमने दूसरे प्लेट्स में भी कंटिन्यू किया है, जैसे ये जो है टर्बो क्रोम करके है,
वेरियन दी, आप अगर देखेंगे तो बीच में एक क्रोम का लाइन दिया है जिसके वजह से एस्थेटिकली ये स्विच एंड दी क्रोम अच्छे से मैच हो जाता है। इवन इफ यू सी, आप अगर देखेंगे इसमें भी नॉर्मल स्विच में भी तो क्रोम एंड इसका ये मैच हो जाता है, एंड इसमें भी अगर देखेंगे तो दी कलर्स आर सेम, वी आर मेंटेनिंग दी सेम कलर्स, क्योंकि जितने ज़्यादा कलर्स हो जाते हैं इस करने का ये हो जाता है, एंड प्लस अवेलेबिलिटी भी रहना चाहिए। ये जो नॉर्मल ये जो कलर्स है 6 कलर्स, इट इज रेडीली अवेलेबल एवरीवेयर इन कर्नाटका। तो सर यहाँ पर जो है आप जैसे बोले कि टर्बो क्रोम कवर प्लेट है, ये जो है नॉर्मल टर्बो कवर प्लेट, टर्बो कवर कितना ही कि क्रोम वाला नहीं है, ये इसमें क्रोम का प्लेटिंग नहीं तो है, तो रेट तो ज्यादा होगा? नहीं सर, इसका और इसका रेट सेम ही है, सेम है, ये दोनों का रेट सेम ही है। एंड इफ वी कम टू दी प्रीमियम साइड, ये हमारे ग्लास प्लेट्स हैं। अच्छा, ये ग्लास प्लेट्स जो है इट इज़ मेड ऑफ टफन ग्लास। जी जी जी, ये टफन ग्लास से बना हुआ है। इसमें भी अगर देखेंगे आप, यहाँ पे बीच में क्रोम प्लेटिंग है, दिस इज टफन ग्लास। सर ये कितना सालों तक रहेगा, मतलब ये 11 इयर्स का गारंटी दे रहे हैं हम इसका, तो उसके तब तक इसका कोई फेड नहीं हो जाएगा क्रोम पे? अगर फेड हो गया तो हम चेंज करके देंगे। जी जी सर, एक्सप्लेन करिए। हाँ, एंड इसमें इसमें भी अराउंड 5 कलर्स आता है, इसमें ये ग्लॉसी वाइट है, ग्रे है, एंड कॉपर ब्रोंज है, सिजलिंग सिल्वर है, एंड ये कार्बन ब्लैक है। ओके, 4 कलर है, 4 वेरिएंट कार्बन ब्लैक है। आप अगर देखेंगे तो ये टोटली फ्लैट है। हाँ सर, ये अगर वो स्विच है वो प्लेट्स देखेंगे तो थोड़ा सा कर्विश है, ये टोटली फ्लैट है। ओके, एंड जो भी कलर्स हमने चूज किया है दीज आर ऑल सजेस्टेड बाई द आर्किटेक्ट्स, टॉप आर्किटेक्ट्स ऑफ मुंबई, उन्होंने कलर्स चूज करके दिया हुआ है, उन्होंने चूज किया हुआ है। तो ये यहाँ पे ऐसा अगर आप देखेंगे तो इवन यू कैन मैच दी ग्लास प्लेट्स विद दी नॉर्मल प्लेट्स। समझे, मैं अगर ड्राइंग रूम में वाइट कलर का ये ग्लास प्लेट डालता हूँ, आई कैन यूज़ वाइट कलर का नॉर्मल प्लेट्स। ओके ओके, एंड ब्लैक ओक की जगह, ब्लैक ओक जहाँ पे होता है वहाँ पे मैं ये अपना कार्बन ब्लैक डाल सकता हूँ, ऐसे मिक्स एंड मैच कर सकता हूँ। तो सर ये फिटिंग करने में कोई दिक्कत होता है, या फिटिंग में जो पीछे का मटेरियल रहता है वो कॉमन रहेगा सभी? नहीं, पीछे का मटेरियल सभी फ्रेम्स का जो बेस फ्रेम है सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, एंड डिफरेंट है, सेम है? नहीं, बेस प्लेट्स जो है इसका, जो बेस प्लेट्स है इसके पीछे जो प्लेट लगा हुआ है इट इज़ नॉट कॉमन। ओके, एंड ये जो स्विचेस एंड एसेसरीज है इट इज़ ऑल कॉमन फॉर ऑल दी प्लेट्स। ओके, ऑल कॉमन फॉर ऑल दी प्लेट्स। जी जी जी, एंड और एक रेंज है हमारा विच वी कॉल्ड प्लैटिना, ये अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंटर में भी क्रोम है, साइड में भी क्रोम है, एंड इट हैज़ अ फ्लैट टाइप फिनिश। ये फ्लैट टाइप फिनिश की वजह से क्या होता है कि जो ग्लॉसीनेस है वो ग्लास प्लेट का एक इफेक्ट दे देता है। एंड इफ यू सी दी कलर कॉम्बिनेशन ऑल्सो, अगर वो नॉर्मल प्लेट्स एंड ये प्लेट्स में वी हैव केप्ट द कलर कॉम्बिनेशन सेम। एंड वन मोर प्लेट इज वुडक्राफ्ट। वुडक्राफ्ट जो है नॉर्मली इट इज़ वो जो है ये वुडन बॉक्सेस पे जाता है। अभी जितने भी 4 प्लेट्स मैंने दिखाया, 4 फ्रेम्स मैंने दिखाए, इट गोज़ इन टू द मेटल बॉक्सेस, एंड ये जो है इट गोज़ इन टू द वुडन बॉक्सेस, एंड वुडन प्लस मेटल बॉक्सेस ऑल्सो। क्या हो जाता है कि नॉर्मली एक पुराने घर में वुडन बॉक्सेस है, वहाँ पे अगर उनको स्विचेस चेंज करना है, ओल्ड टाइप स्विचेस से नया टाइप स्विचेस डालना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा मिलता है कि बॉक्सेस वहीं पे रहेगा, वायरिंग भी सेम रहेगा, यू डोंट आपको वो क्या कहते हैं कि वो वुडन बॉक्स को अगर आप मेटल बॉक्स को रिप्लेस करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक वापस से प्लास्टरिंग का खर्चा आ जाता है एंड ऊपर से ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो ये जो प्लेट है ये दोनों ही बैठेगा, वुडन में भी बैठेगा एंड प्लस मेटल बॉक्सेस में भी बैठेगा। जी जी जी, इसमें से खाली इतना एक डिफरेंस है कि इसका जो थिकनेस है थोड़ा बड़ा है। ओके, बिकॉज इट हैज़ टू कवर दी वुडन बॉक्सेस। तो जैसा ये इतना पीछे का जो प्लाई रहेगा इसके ऊपर ही इतना दिखाई देता है या? ये नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई, वो जो वुडन बॉक्स है वो अंदर ही दब जाएगा, फ्लश हो जाएगा। ओके, ये वाला जो है हाईलाइट रहता है इतना, जो ये ऊपर रहता है, ये ऊपर रहता है। इसमें भी अगर इशू सी दी जिस, ये जो ये है ये बहुत ही छोटा है एक्चुअली, हमारा जो टर्बो
टर्बो क्रोम एंड टर्बो का जो थिकनेस है प्लेट का, इट इज 2.5 mm, वन ऑफ दी थिनेस्ट, व्हाट इज ओवर थिनेस्ट ये है फ्रेम से। तो सर आप यहाँ पे जो है ना पांच वेरिएंट दिखाए हैं। हाँ। तो नॉर्मली जो है हम टर्बो एंड टर्बो क्रोम टिंट कवर प्लेट और एक जो है प्लैटिना कवर प्लेट एंड वुड, इसमें सबसे फैंसी और कॉस्टली कौन सा है? ये वाला टिंट कवर प्लेट सर, टिंट कवर प्लेट सर। हां, ये जो मटेरियल आप बोले ग्लास, दिस इज ग्लास, दिस इज टफन ग्लास, जो गाड़ी में जो ग्लास यूज होता है वो ग्लास है। ओके, एंड जो नॉर्मल मीडियम बजट है तो उनके लिए और लॉन्ग लास्टिंग वाला कौन सा सजेशन करेंगे? मीडियम मीडियम बजट में जो है वी वुड सजेस्ट टर्बो एंड टर्बो क्रोम। मीडियम सॉरी, ये लोअर बजट में टर्बो एंड टर्बो क्रोम लोअर बजट में। ये वाला जो है ठीक ठाक रहेगा, इससे भी रेट ये थोड़ा ये सेम है, दोनों रेट सेम है। एंड मीडियम में जो है बीच में जो है प्लैटिना है। हाँ जी, कुछ ब्रीफली कौन सा, तो कुछ क्या रेट से मिलता है आपके? और प्राइसिंग का ऐसा है कि वी हैव आवर डीलर ऑटो हियर एंड प्लस हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी है। ओके, जो नॉर्मल सभी ब्रांड, सभी ब्रांड मिलते हैं वही रेंज में रहेगा शायद? वही रेंज में रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बिकॉज वी आर वेरी क्वालिटी। इसके अलावा और क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? हमारा खाली स्विचेस एंड वी आर मास्टर्स इन मेकिंग स्विचेस, मैन्युफैक्चरिंग स्विचेस। जैसा GM हो या फिर V-Guard का हमको वायर सब मिलता है ना, तो ऐसा बेसिक हमारे इसमें अभी फिलहाल तो स्विचेस की रेंज है। इन फ्यूचर वी विल बी कमिंग अप विद अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।